अलीगढ़ पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अपने बयानों में नीतीश को घेरने का काम किया है। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के त्रिस में फंस गए हैं, यूपी में उनकी सबसे बड़ी हार होगी। अलीगढ़ में पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा दीनदयाल उपाध्याय जयंती समारोह में श्री राम बैंकट हॉल पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी कई बातें सुनाई। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वे लालू प्रसाद यादव के तिलिस्म में फंस गए हैं। बिहार में एक हिंदू कार्यकर्ता की हत्या के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार जंगल राज है और जंगल की तरह बढ़ रहा है। नीतीश जी का जनाधार समाप्त होने वाला है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वह लालू जी के तिलिस्म में फंस गए हैं। नीतीश कुमार राजनीति में शून्य की ओर बढ़ रहे हैं, यानी उनके राजनीतिक जीवन का सूर्यास्त संभव है। अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो जीवन में उनकी सबसे बड़ी हार होगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि परिवार जोड़ो कार्यक्रम चलाया है। मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी से लेकर अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनके बाद फिर कोई और परिवार जोड़ो कार्यक्रम अच्छी तरह से चला रहे हैं। लेकिन जब वह अपनी पार्टी से कांग्रेस जोड़ो कार्यक्रम को नहीं चला पाए तो देश को जोड़ने का काम क्या करेंगे। वहीं उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड पर उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे उत्तराखंड की भाजपा सरकार हो या यूपी की योगी सरकार, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह द्वारा मोहन भागवत के मस्जिद जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आदरणीय दिग्विजय सिंह एक ऐसे सद्पुरुष हैं जिनके मानसिक संतुलन का समुचित उपचार समय समय पर होता रहता है, कभी पराजय के रूप में तो कभी उनकी पार्टी में नेग्लेक्ट करने के रूप में, कभी पारिवारिक रूप में। दिग्विजय सिंह को आज की राजनीति में कोई गंभीरता से नहीं लेता है। मैं समझता हूं कि उन्हें बीजेपी और जनसंघ को अच्छी तरीके से जानने की जरूरत है। संघ में पहले से ही मुस्लिम मंच है और मुस्लिम लोग राष्ट्रीय सेवा से समर्पित हैं, जो पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। बीजेपी में भी अल्पसंख्यक मोर्चा है जो काम कर रहा है। बीजेपी किसी जाति और धर्म की विरोधी पार्टी नहीं है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा विपक्ष है जिस पर समय समय पर काफी गहराई से छानबीन हुई है और वरिष्ठ लोग जो इस विषय पर बताएंगे। आदम खां पर कार्रवाई को लेकर दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी की सरकार किसी के साथ पक्षपात नहीं करती और किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपने पार्टी के लोगों का सम्मान करना सीखना चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि मैं आनंदित हूं कि पार्टी का कार्यकर्ता मोदी और योगी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता की सेवा में तत्पर हूं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ने जो परिकल्पना की थी उन्हीं सिद्धांतों पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। सिंह एक ऐसे सद्पुरुष रहे हैं जिनके मानसिक संतुलन का समुचित उपचार समय समय पर होता रहता है, कभी पराजय के रूप में, कभी उनकी पार्टी में उनकी उनको निग्लेक्ट करने के रूप में, और कभी पारिवारिक रूप में। दिग्विजय सिंह जी को आज की वर्तमान राजनीति में कोई गंभीरता से नहीं लेता और मैं समझता हूं उनको बीजेपी और जनसंघ को अच्छी तरीके से जानने की ज़रूरत है। संघ में पहले से ही मुस्लिम जो कहा जाता है कि वहाँ पर मुस्लिम मंच एक है, उसको पहले से उसमें हमारे मुस्लिम बंधु जो राष्ट्र सेवा में समर्पित है उसमें काम करते हैं। बीजेपी में भी अल्पसंख्यक मोर्चा पहले से वो काम करता है। बीजेपी कोई किसी जाति और धर्म की विरोधी पार्टी नहीं है। नहीं नहीं देखिए वो एक ऐसा विषय है जिस पर समय समय पर काफ़ी गहराई से छानबीन हुई है और मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ लोग हैं जो भी बातें आएंगी वही बता सकते इस बारे में। धन्यवाद। नहीं नहीं बीजेपी की सरकार किसी के साथ पक्षपात नहीं करती और किसी के पास भेदभाव भी नहीं। अखिलेश यादव समाजवादी के बहुत से नेता ये आरोप लगाते रहे हैं सरकार पर कि आजम खां के साथ
मैं समझता हूँ कि उनको पहले स्वयं ही अपने पार्टी के लोगों का सम्मान करना सीखना चाहिए, उनको उचित स्थान देना चाहिए, दूसरे के दल के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं।